नागपुर की रेलवे पुलिस ने रेलवे के दलालों के ठिकानों पर छापा मारकर करीब 2.5 लाख रुपए के ई टिकट और करीब 40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके साथ ही एक लैपटॉप और मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। इस मामले में एक आदमी को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना की एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 30 अप्रैल की रात को की गई इस कार्रवाई में करीब 27 किलो केटामाइन नाम की ड्रग्स बरामद की है। ड्रग्स को चावल के बैग में रखकर सप्लाई किया जा रहा था। इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। 1 मई को एनसीबी टीम ने बेंगलुरु में ड्रग्स सप्लाई करने वाले के घर पर छापा मारा तो पता चला कि आरोपी अपने घर में ही केटामाइन ड्रग्स बनाता था। आरोपी के घर के बेसमेंट में ड्रग्स बनाने की एक लैब भी मिली। आरोपी से पूछताछ के बाद हैदराबाद में भी इसी तरह की ड्रग्स बनाने की लैब का भी पता चला है, जहां से 25 किलो और ड्रग्स बरामद की गई। इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राम की जन्मभूमि फिल्म के निर्माता वसीम रिजवी को नोटिस जारी करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वसीम रिजवी के साथ साथ निर्देशक सुनोज मिश्र, यूट्यूब समेत केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया गया है। प्रयागराज के हुसैन अख्तर की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि राम की जन्मभूमि की फिल्म की रिलीज से हिंदू मुस्लिम के बीच धार्मिक सौहार्द बिगड़ेगा। साथ ही दावा है कि फिल्म में जो नारे इस्तेमाल किए गए हैं वो अपमानजनक और भड़काऊ है और इसकी वजह से शांति भंग होने का खतरा है।